बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, बस अभी अभी दोपहर का वक्त है, मुझे मेरे दिल ने कहा मैं चाय पी लूँ, बस पी रही हूँ। अब मैं चाय बना रही हूँ। वैसे हमारे शहर में पता है चाय ज़्यादा पसंद की जाती है, हम लोग तो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। पता नहीं आप लोग का, आप लोग भी तो चाय पीते हैं या नहीं पीते हैं। हम सुबह पीते हैं, हम दोपहर पीते हैं, हम शाम को पीते हैं, हम रात को पीते हैं। हम बोतलें वगैरह कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को भी जिन जिन को पसंद है चाय, वो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। ये चाय तो मैं अभी शुरू किया बनाना, 2 मिनट में बन जाएगी। बस थोड़ी देर में बॉयल आएगा, चाय तैयार हमारी। जो हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को पहले मिले, सबसे पहले मिले। ये सिलेंडर में चाय बना रही हूँ। चूल्हे में तो हमारे गैस 12 बजे आती है, लेकिन मुझे चाय अभी पीनी थी, इसलिए मैंने सिलेंडर में चाय पका ली। दुआ करेगा करें, हमें अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, जिनको नहीं उन सबको भी नेक औलाद अता करें, और हमें भी जल्दी जल्दी अल्लाह ताला नेक औलाद अता करें। हमारे लिए सब दुआ करें, प्लीज़ प्लीज़ दुआ ज़रूर करना। अल्लाह ताला इंशाल्लाह किसी को तो ज़रूर सुनेगा। देखें चाय मेरी बॉयल हो रही है। वैसे लोग क्या करते हैं चाय बनाते वक्त, देगची में पानी, दूध और चीनी पत्ती सब चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, फिर बॉयल आते ही उतार देते हैं, कहते हैं चाय तैयार है। लेकिन चाय वैसे अगर इस तरीके से बनाएंगे तो पता है चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। जैसे जो कप है ना, ये हम मुल्तान से लाए थे, कुछ दिन पहले हम मुल्तान गए थे, वहीं से लिए हैं। ये कप मेरे हस्बैंड के पसंद के हैं। अक्सर तो मैं खुद अपने शहर से ले आती हूँ कप चीज़ें वगैरह, लेकिन इस बार वो मेरे साथ थे, फिर उनकी पसंद के लिए हैं। हम दो ही फर्द हैं घर में, मैं और मेरे हस्बैंड। अल्लाह ताला हमें जल्दी जल्दी नेक औलाद अता करें। चाय देखो हमारी तैयार हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करें, वीडियो को स्किप ना क्या करें प्लीज़। फ़िलहाल अल्लाह।